ये देखो जी घूमपुर रोड वार्ड नंबर 7 है, ठीक है। यहाँ पे कूड़ा फेंकते थे, आज ये हार पहना रहे यहाँ लोगों को। गाड़ी के पीछे से निकल के इन्होंने ढोल बजाते हुए और हार पहनाने की कोशिश की। अब हम समझा के तो थक गए कि यहाँ पे कूड़ा मत फेंकिए। तो हमने क्या किया, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई है जिसके तहत हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पे कूड़ा ना फेंके। स्वच्छता को लेकर नगर परिषद मनाली ने अनूठी पहल शुरू की है। सड़क पर खुले में कूड़ा फेंकने वालों को हार पहनाकर व ढोल बजाकर सम्मानित कर रहे हैं। नगर परिषद की माने तो ये पहल कार्रवाई से अधिक कारगर साबित होगी। कर्मचारी व अधिकारी घर घर जाकर गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग देने को भी प्रेरित कर रहे हैं। आज सुबह सुबह नगर परिषद मनाली के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा एक अनूठी पहल की गयी। सड़क पर खुले में कूड़ा फेंकने वालों को हार पहनाकर व ढोल बजाकर सम्मानित किया। नगर परिषद मनाली द्वारा घर घर जाकर रोज कूड़ा एकत्रित किया जाता है, लेकिन कुछ लोग कूड़ा खुले में डालते हैं जिससे कूड़े के ढेर बन जाते हैं एवं मिक्स कूड़ा एकत्रित हो जाता है जिससे नगर परिषद को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नगर परिषद मनाली इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी भी कर रहा है जिसके तहत लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। घर व होटल का गीला सूखा कूड़ा अलग अलग करके नगर परिषद की गाड़ी में ही देने को प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ये कार्य नहीं कर रही हैं। आज शुरू किए गए इस अनूठे अभियान में कार्यकारी अधिकारी करुण भरमौरिया, कनिष्ठ अभियंता अतुल प्राशत, सफाई पर्यवेक्षक रजत कुमार एवं नगर परिषद के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। ये एक्चुअली जी कमेटी वालों ने आज सुबह, हम जैसे स्कूल के लिए मैं बच्चों को लेकर जा रहा था और मेरी मिसेज वो भी ड्यूटी जा रही थी, वो लेडी विलिंग हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स जॉब करती है। तो उसी बीच जो वार्ड नंबर 7 में जो गोम्पा के पास एक कूड़ा फेंकने की जगह है जो पिछले 10-15 सालों से मतलब लगभग सारे गांव वाले और गोम्पा वाले सारे वहीं पर ही फेंक रहे कूड़ा। तो अचानक से विदाउट इंटीमेशन, विदाउट किसी बोर्ड के, इन लोगों ने क्या किया कि गाड़ी के पीछे छुप के ढोल लेके बैठे हुए थे, हार लेके बैठे हुए थे। तो इनकी गाड़ी भी थी वहां पे खड़ी हुई, लेकिन वो पूरी कूड़े से भरी हुई थी, तो उसमें डालने के लिए बिल्कुल जगह नहीं था। तो जहाँ पे मतलब लोग सब कब कूड़ा रखते थे उसी जगह पे हमने भी कूड़ा रख दिया और ये अचानक से आए गाड़ी के पीछे से निकल के इन्होंने ढोल बजाते हुए और हार पहनाने की कोशिश की। और उससे पहले भी हमारे को अभी पता चला कि मतलब और भी लोगों को इन्होंने वैसा किया। और ये इन्होंने सिर्फ सियाल गांव से जो गोम्पा की तरफ को आते हैं लोग उन्हीं को रोक रहे हैं, जबकि गोम्पा में भी कई लोग हैं जो वहां पे कूड़ा फेंक रहे हैं। और जो ये इनके कमेटी के ईओ साहब है ये बोल रहे हैं, जेई साहब है ये बोल रहे थे कि हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हर रोज गाड़ियां कमेटी की गाड़ियां घर से कूड़ा उठा रही है, तो हम लोग इस पॉइंट को अब बंद कर रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने कोई इंटीमेशन नहीं दिया, कोई बोर्ड नहीं लगाया और फिर ये लोग इस तरह से डिफेम कर रहे हैं मतलब लोगों को। तो एटलीस्ट उस चीज के लिए धरना चला हुआ है कि मतलब हम लोग चाहते हैं कि मतलब वो हमसे माफी मांगे, जो जिस तरह से उन्होंने हार लगाने की कोशिश की और भी लोगों को, पंचायत के लोगों को हार लगाया है उन्होंने। तो हम भी चाहते कि ये साहब आए, हम भी उनको वैसे ही उनका हार लगा के ढोल बजा के उनका स्वागत करना चाहते हैं। करुण भरमौरिया, क्या पोस्ट है आपकी? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये देखो जी घूमपुर रोड वार्ड नंबर 7 है, ठीक है। यहाँ पे कूड़ा फेंकते थे, आज ये हार पहना रहे यहाँ लोगों को। इन्होंने कल से गारंटी दी हुई है, ये भी है भाई साहब, ठीक है, कल से इन्होंने गारंटी दी हुई है कि यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंका जाएगा। गारंटी है ना? हम हर कल से आपने हार नहीं पहना, खुद पहन के बैठेंगे आप, जूतों का हार पहन के बैठेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं इस पॉइंट को एलिमिनेट करने की। कोशिश करने का मतलब क्या है यार, हार पहना रहे तुम लोग, कैसे पहना रहे यार तुम? ये आईसी एक्टिविटी का पार्ट है। और गाड़ी रखो ना, फिर कहाँ फेंके कूड़ा? सोल्यूशन दो, ये बिल्डिंग कैसे बन गई यहाँ पे, नाले के ऊपर कैसे बिल्डिंग बना दी? तब कहाँ आप पंचायत एरिया से हैं, ठीक है, कमेटी एरिया आया, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पंचायत एरिया से आ रहे हैं और यहाँ पे पूरा डंप कर रहे हैं। एक मिनट, अरे मेरे भाई खुद बैठना भी नहीं है रोकने के लिए। एक मिनट सुन लीजिए आप, एक मिनट सुन लीजिए, मैं बोल के रहा हूँ। जो सर ये वाला एरिया है ऊपर से, यहाँ हम सुबह 7:30 बजे से खड़े हुए हैं और यहाँ पे लोग जो है वो पंचायत एरिया से यहाँ पे, एक मिनट सुन लीजिए आप, कचरा क्यों इधर, एक मिनट सुन लीजिए आप, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं कि रोज कूड़ा लोग डंप करते हैं और हम डेली 2 गाड़ियां यहाँ से उठाते हैं। हमने एक आईसी एक्टिविटी चला रखी है जिसमें हम घर घर से कूड़ा लेते हैं और सेग्रीगेटेड कूड़ा लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे हॉटस्पॉट बने हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको एलिमिनेट करें हम। अब हम समझा समझा के तो थक गए कि यहाँ पे कूड़ा मत फेंकिए,
सर, तो हमने क्या किया, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई है जिसके तहत हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पे कूड़ा ना फेंके। जिसमें आप क्या हार पहनाएंगे, जिसमें आप लोगों को हार पहनाएंगे, आप किसी को आप हार पहनाएंगे, मेरी बात हार कैसे पहना रहे आप ये बताओ ना। प्यार से बोलते ना मैम, अगर आप यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकेंगे वहाँ गाड़ी है। आपने एक ढोल वाले बंदे को बजाते हुए हार पहना रहे, आपको कुछ थोड़ा अकल होनी चाहिए ना। और ये भी एक रेप्यूटेटेड हॉस्पिटल में जॉब करती है, आप भी उसमें मैं जूतों का हार पहनाऊंगा, आपको कैसे लगेगा। एक मिनट, कैसे किया ये आप लोगों, ये दिमाग बंद कर करी मेरा, समझ आई ना बात। बकवास कर रहा साला, ये भी रिकॉर्ड करना, ये भी रिकॉर्ड करो ना, रिकॉर्ड करने की क्या बात है, आप रिकॉर्ड होगा मेरे भाई, तुम लोग कर रहे हैं। मैंने उठाने को बोला मैडम को, क्या कर बोल क्या भाई, उठाने को बोला, अरे भाई ढोल नहीं मेरे भाई, कैसे किया तुमने, किया कैसे तुमने, किया कैसे तुमने, ये बताओ तुम लोग गलत कर रहे भाई। चलिए ठीक है, ये बदतमीजी कर नहीं सकते, कैसे किया तुम लोगों ने, हमारे एरिया में तुम लोग बिल्डिंग बनाते हो, हम लोग नहीं आए कि रखते हो, कैसे करते हैं आप लोग। चलिए आगे से, आगे आगे से क्या मतलब, सबसे अनुरोध है आपको चॉइस करना पड़ेगा भाई साहब, और ये चॉइस करना पड़ेगा, सबसे अनुरोध है, माफी मांगो पहले, एक मिनट, सबसे पहले खुद ढोल बजाओ, हार पहनो आप, और इससे माफी मांगो, एक मिनट सुनिए, माफी मांगो पहले, ऐसे कैसे, एक मिनट, सबसे अनुरोध है, पहले ऐसे नहीं होगा भाई, कूड़ा यहाँ पे ना फेंके, ये चीज पहले बोलना चाहिए, साइड में खड़े होकर बोल रहे हैं, अभी चीज सोल्यूशन दो, हमें सोल्यूशन दो, अगर रोड में फेंकते हैं वो कौन उठाएगा। देखिए मेरे भाई, हमने खुद साफ किया, आपका शुभ नाम क्या है वैसे, सुरेंद्र मन, सुरेंद्र जी अगर आपके घर हमारा बंदा नहीं जाएगा तो आप हमें बताएं, हमारा आपके उसमें आता है, ठीक है ना, अब हमें बताएं अगर नहीं जा रहा है तो। सर यहाँ डेरे लगे हैं, पूरे रोड फुल था यहाँ पे, लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मनाली से शालू की रिपोर्ट। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाए इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर, इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है, सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी, तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।